हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 45 फॉर बर्न। अगर हमारे स्किन जल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। वन कैन सफर बर्न फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, फायर स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल लाइक एसिड। लोग जल जाते हैं या तो गर्म चीज़ों से, आग से, भाप से, गर्म पानी से, पटाखों से, इलेक्ट्रिक पॉइंट से या फिर केमिकल से। अगर माइनर बर्न हो, अगर थोड़ा कम जला है तो माइनर बर्न आर वेरी पेनफुल, ये फिर भी बहुत पेनफुल होता है। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। इसका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर द बर्न अंटिल द पेन सब्साइड। हम अपने हाथों को ठंडे बहते हुए पानी में लगा लें जब तक कि थोड़ा पेन कम ना हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करें या फिर क्रीम, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एंटीसेप्टिक लोशन अवेलेबल नहीं है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट या फिर पानी का पेस्ट, बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट लगा लें। सर्व बर्न। अगर ज़्यादा जल गया, समटाइम द स्किन गेट्स हेवली बर्न्स और ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड। नेवर ट्राई टू प्रिक अ ब्लिस्टर। एन ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वाउंड कैन कैच इन्फेक्शन। कभी भी अगर ज़्यादा जल गया और ब्लिस्टर हो गया है तो उसको कभी भी प्रिक करने की, उसको हटाने की कोशिश ना करें, उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। जेंटली ओवर द बर्न। जेंटली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो बहुत साफ कपड़े से उस जले हुए हिस्से को कवर करें। सेटेलाइट गॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द जम्स एंड, और सेटेलाइट गॉज उसे जम से प्रोटेक्ट करेगा। इफ़ द विक्टिम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, अगर विक्टिम शॉक में चला गया है, गिवन नेव अ वार्म ड्रिंक, गिव हिम अ वार्म ड्रिंक, तो उसे थोड़ा वार्म वाटर दें पीने के लिए। देन ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। डिप अ स्टरलाइट पीस ऑफ क्लॉथ इन द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज इज द ब्रेड कम